उत्तराखंड में 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर के फैसला लिया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि अब राज्य कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक दिन के वेतन की कटौती नहीं होगी। सरकार ने कर्मचारियों को त्योहारों का तोहफा दिया है। अब केवल सीएम, मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों का ही एक दिन का वेतन कटेगा। कैबिनेट ने सालों से अटकी खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है। वर्ग 3, वर्ग 4 की भूमि के पट्टे धारकों और अवैध कब्जे धारकों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का भी फैसला हुआ है। कैबिनेट ने हिमालयन गढ़वाल विवि का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विवि कर दिया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 2,43,000 रजिस्टर्ड व्यवसायियों और कर्मियों को 1,000 और देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट में 18 में से कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आने वाली 1 नवंबर से केवल 2 क्लासे, 10th और 12th, सोशल डिस्टेंसिंग जो SOP जारी हुई है उसका अक्सर से पालन कराते हुए और वो 2 क्लास खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी का निर्णय बाद में लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्णय बाद में लिया। तो राज्य सरकार की तरफ से एक तोहफे के तौर पर ये घोषणा की गई कि इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, IAS, IPS, IFS इनको छोड़कर बाकी जो ये महीना चल रहा है इस महीने से ये कटौती समाप्त कर दी गई है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को पास किया गया है। इससे भी बड़ी बात यह कि जो स्कूल इतने महीने से बंद है वो 1 नवंबर से खोलने की तैयारी में सरकार अब आ चुकी है। कैसी तैयारी सरकार की नजर आ रही है? क्या कुछ अलग से गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए? देखिए, राज्य कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए हैं उनमें बड़ा फैसला जो है वो स्कूल खोलने को लेकर लिया गया है। लगातार एक कयास भी चलाए जा रहे थे कि राज्य में, क्योंकि जब केंद्र से गाइडलाइन जारी हो गई है तो स्टेट गवर्नमेंट के राज्य में स्कूलों को खोलेगी। इसके लिए अभिभावकों से भी रायशुमारी की गई और जिला अधिकारियों को भी एक पत्र भेजा गया कि एक हफ्ते के भीतर वो स्कूल प्रबंधन से और अभिभावकों से इस बात की रायशुमारी करें कि क्या वो इससे पक्षधर है। तो फिलहाल आज की राज्य कैबिनेट की बैठक में जब इस पर चर्चा हुई, जो रायशुमारी शासन को मिली थी उस पर भी चर्चा की गई, तो ये तय किया गया है कि केवल 2 क्लासेस, 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस है वो स्कूल अब शुरू होंगे। लेकिन उसके लिए पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसके लिए SOP भी जारी होगी और SOP में बाकायदा इस बात का जिक्र होगा कि क्या क्या इंतजाम स्कूल प्रशासन को अपने स्कूलों में करने हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरीके से जो बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो उनके लिए ये व्यवस्था करनी है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिसके कारण से कोई दिक्कतें सामने आए। क्योंकि इस बात का भी सरकार ध्यान दे रही है कि अगर स्कूल खोले जा रहे हैं तो फिलहाल 1 महीने तक ये पूरी व्यवस्था चेक की जाएगी, जांची जाएगी कि अगर इस दौरान कोई भी ऐसी स्थिति सामने खड़ी होती है या फिर संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो फिर सरकार अगला निर्णय लेगी। या सरकार ने साफ किया है, लेकिन फिलहाल 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं। और हालांकि अभिभावक सरकार ने लिया है कि अब राज्य के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक दिन का जो वेतन कट रहा था वो कटौती नहीं होगी। अब सिर्फ सीएम, मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों का ही एक दिन का वेतन कटेगा। लेकिन हम कल देख रहे थे कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो नाराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेतन तो उनका कट रहा है लेकिन सही जगह सही दिशा में उसे काम में नहीं लाया जा रहा। देखिए, दरअसल सरकार ने आज जो फैसला लिया है उसके मुताबिक जो कर्मचारी है, राज्य के जो भी कर्मचारी है उनका एक दिन का वेतन जो काटने का पहले फैसला लिया गया था अब वो नहीं वेतन काटा जाएगा उनका। एक तरीके से त्योहारी सीजन की उनको सौगात दी है। बाकी IPS अधिकारी हैं या फिर IAS अधिकारी हैं, IFS अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका जो एक प्रतिमाह एक दिन का वेतन काटने का जो पूर्व का फैसला था वो यथावत उसी तरीके से रहेगा। जहां तक बात विधायकों की नाराजगी को लेकर जो सवाल उठा था, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जो विधायक निधि है, क्योंकि विधायक
विधायक निधि के जरिए जो विधायक है वो अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य करवाते हैं, और इस बात को लेकर लगातार ये बात अब उठने लगी है कि विकास के कार्य इससे प्रभावित हो रहे हैं जब उनकी विधायक निधि जो है वो कोविड फंड में जा रही है। यहाँ तक कि विपक्ष ने तो ये सवाल भी उठाए और उन्होंने पूरा ब्यौरा भी मांगा कि इस बात की पूरी सरकार को पूरा ब्यौरा भी देना चाहिए कि ये जो पैसा दिए विधायकों की उससे कट रहा है, विधायक निधि से कट रहा है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है, इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, तो इसको लेकर सियासत भी काफी गर्माई। चलिए, तो सियासत भी लगातार गर्मा रही है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।